हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग? आज आपको चैप्टर टू का बचा हुआ भाग आपको हम पढ़ने को तो इसमें चैप्टर टू में हम लोग जो बाकी था वो पढ़ेंगे नेटवर्क। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विंडोज डेस्कटॉप टास्क बार स्टार्ट बटन आइकन कंप्यूटर रिसाइकल बिन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर लिंक आइदर थ्रू फिजिकल वायरिंग और वायरलेस सिस्टम। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है कंप्यूटरों का झुंड होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, और यह एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वह वायर के द्वारा या बगैर वायर के द्वारा, बगैर तार के द्वारा। वी कैन शेयर द फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम इसमें शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने फाइल और फोल्डर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए। By using networking, networking का इस्तेमाल करके just double click on the network icon to access another computer of the network। कह रहा है कि हम double click करके network icon पर हम दूसरे computer network पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद है window explorer। This is a program that display the file and folder on the computer। कह रहा है यह एक ऐसा प्रोग्राम है जहां डिस्प्ले होता है फाइल और फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। इट्स शो डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर एंड वीडियो। यह डॉक्यूमेंट दिखाता है म्यूजिक पिक्चर और वीडियो। टू ओपन द विंडो एक्सप्लोरर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। हम विंडो एक्सप्लोरर को निम्नलिखित स्टेप्स के द्वारा खोल सकते हैं। स्टेप वन, फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन एसेसरीज, क्लिक ऑन विंडो एक्सप्लोरर, और इस तरीके से हमारा विंडो एक्सप्लोरर खुल गया। आप देख रहे हैं ये विंडो एक्सप्लोरर खुल गया। अब आइए क्रिएटिंग ए फोल्डर, कैसे हम एक फोल्डर तैयार करेंगे, है ना, ये भी स्टेप्स में है। पहला स्टेप्स है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे। दूसरा क्लिक ऑन न्यू, न्यू पर क्लिक करेंगे। तीसरा क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। अब हम फोल्डर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। वी विल सी ए न्यू फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। क्या देखते हैं आप? देखते हैं कि एक नया फोल्डर जो है अपने आप जो है आपके डेस्कटॉप पर क्रिएटेड हो गया, तैयार हो गया, बन गया। अब आइए ओपनिंग एंड एग्जिटिंग फोल्डर। स्टेप्स वन, डबल क्लिक ऑन द फोल्डर। हम कैसे इसे ओपन करेंगे, कैसे हम इसको खोलेंगे? हम डबल क्लिक करेंगे उस फोल्डर पर। दूसरा, कंटेंट ऑफ द फोल्डर विल बी डिस्प्ले। अब है सर्चिंग प्रोग्राम एंड फाइल। हम कैसे प्रोग्राम को और फाइल को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे? इट हेल्प टू सर्च प्रोग्राम फाइल एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। हम इसकी मदद से प्रोग्राम को सर्च करेंगे, फाइल को, फोल्डर को कंप्यूटर के ऊपर हम फाइल और फोल्डर को सर्च करेंगे। स्टेप वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ए डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। स्टेप वन, हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा, अपीयर होगा। टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम, हम उस प्रोग्राम का नाम टाइप करेंगे। फाइल और फोल्डर, फाइल है या फोल्डर है, विच यू वांट टू सर्च, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। क्या होता है कि फाइल और फोल्डर को हम अमुक नाम से सेव करते हैं और उसको हम टाइप करेंगे तो वो फाइल और फोल्डर हमें उपलब्ध हो जाएगा। विच यू वांट टू सर्च,
इट विल इंस्टेंटली शो आवर सर्च रिजल्ट, और आप जो सर्च कर रहे हैं वह तुरंत ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन जो है इससे संबंधित बोर्ड पर लिख देते हैं, और इसका भी पीडीएफ जो है नेक्स्ट डे आपको हम डाल देंगे, और इस तरीके से आपका चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए रफ में ही लिखिए इसको। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 है what is the use of recycle bin, how we can restore deleted files or folders. ठीक है, आंसर हो गया इसका। रिसाइकल बिन contain the files and folders that deleted from the recycle bin. Places again. Steps 1 double click on
रिसाइकिल बिन, आइकन टू ओपन इट, ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स विल बी डिस्प्ले स्टेप्स। दूसरा वी वांट टू सेंड बैक एनी डिलीटेड फाइल और फोल्डर इन आवर ड्राइव जस्ट राइट क्लिक deleted file our folder step tisra click on restore option we see that file our folder will send back to its original place. What is the use of recycling bin? How can it store deleted file or folder? Answer: recycling bin contains the file and folder that we have deleted from the recycling bin. The deleted file and the folder can be restored to their original places again. Step 1: double click on the recycling bin icon to open it. All deleted file and folder will be displayed. Step 2: we want to send back any deleted file or folder in our drive. Just right click on that deleted file or folder. Step 3: click on the restore option. We see that file or folder will send back to its original places. ये हो गया आपका, और इसका हम PDF डाल देंगे। चैप्टर 2 आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।